हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बनाने जा रहे केले के कोफ्ते। इसके लिए हम 3 कच्चा केला लिए और इसको हम कुकर में कढ़ाई में ही उबाल दिए, छिलका उतार कर। और अच्छी तरह से देख लीजिए उबल गया। और इसको फिर ठंडा करके उसको मेस देते हैं। तो हम अच्छी तरह से इसको मेस देंगे और उसमें फिर हम बेसन मिलाएंगे और फिर कुछ मसाले हैं, फिर मसाले भी डालेंगे। सूखा मसाला डालते हैं क्योंकि फिर ग्रेवी में भी मसाला रहेगा। तो ये जीरा पाउडर, जैसे हो गया हल्दी पाउडर, नमक, और हल्का नमक डालेंगे क्योंकि ग्रेवी में भी नमक रहेगा, इसीलिए हल्का वाला क्वांटिटी में इसमें मसाले वगैरह डालते हैं। और इसको फिर डालने के बाद फिर अच्छे से मसाला मिलाने नहीं है, सिर्फ गोला छोटा छोटा गोल बनाना है, लोई, छोटी छोटी लोई जैसे, देखिए इस तरह से। हम इसको हल्का हाथ से प्रेस नहीं करेंगे, हल्का हाथ से लोइयां बना लेते हैं छोटी छोटी। और उसके बाद इसको हम कम आँच में, ज़्यादा आँच करने से कच्चा रह जाता है अंदर पे, तो कम आँच में ही हम इसको फ्राई करेंगे। ये हम सारी लोइयां बनाई, सारी लोई बना के हम तैयार कर लेते हैं छोटी छोटी। और फिर हम चलते हैं मसाला रेडी करने के लिए। तो हम 2 प्याज और लगभग छोटा छोटा 2 टमाटर, 1 लहसुन का कली, नहीं पूरा गोटा लहसुन, और मिर्ची जितना आप तीखा खाते हो। और इसको फिर हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये मेरा मसाला रेडी हो गया। और ये हम फ्राई कर रहे हैं, हल्का आँच में फ्राई कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि अंदर से भी पके। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऊपर से ब्राउन हो जाता है लेकिन अंदर कच्चा रहता है, इसीलिए। और इस ये फ्राई हो गया है और इसको निकालते हैं। एक बार हो गया, फिर हम दूसरा बार डाल चुके हैं, तब तक इस पे हम टूथपिक से होल बना दे रहे हैं और ताकि ग्रेवी अंदर जाए। उसके बाद जितना हो सके उतना करना, उतना ज़रूरी नहीं कि ज़ारा में करना है। और ये हम तेल में थोड़ा हींग डाले और जो हम मसाला पीसे हुए थे उसको डाल दिए। और इसको फ्राई करना है कि जब तक तेल छोड़ देता है तब तक फ्राई करते रहना है कि जब तक तेल ना छोड़े। तो इसको हम फ्राई करते हैं। और इसके बाद ये फ्राई हो गया, अब इसमें जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, फिर धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, जीरा पाउडर सब डाल के फिर फ्राई करते हैं हल्का। उसके बाद अच्छे से इसको भी भुनना है, इतना देर तक भुनना है कि वो तेल ना छोड़े, यानी कि तेल छोड़ने लगे। तो इसको हम अच्छे से फिर फ्राई करते हैं। हमको ग्रेवी रखना है इसलिए हम नमक ज़्यादा डाल रहे हैं। तो हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। ये मेरा भुना गया पूरे अच्छे से। अब इसमें हम पानी डालते हैं। कोफ्ता में थोड़ा पानी डाले ज़्यादा क्योंकि कोफ्ता डालने के बाद ना वो सोख लेता है। ये डालिए, ये थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें और कोफ्ता भी डाल दें। पानी गरम होने के बाद कोफ्ता डाल दें। और कैसा बताइएगा दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें। धन्यवाद।